नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल और इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप सभी लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं में सबसे ज़्यादा डू और डाई रेड कौन से प्लेयर के पास है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को जो हम शुरू करते हैं। तो गाइस जो नंबर 5 पे जो प्लेयर आते हैं उनका नाम है अजय ठाकुर। जी हाँ गाइस, जैसा कि गाइस आप सभी लोग को पता है कि अजय ठाकुर कितने ही अच्छे और कितने बेस्ट स्ट्राइकर प्लेयर रह चुके हैं। और यहाँ पे गाइस अगर हम इनके पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनको 163 पॉइंट जो है इनके पास अवेलेबल है, और ये जो है 120 मैचेस के अंदर में इन्होंने जो है इतने पॉइंट्स को जो है इन्होंने इकट्ठा किया है। और गाइस अगर हम नंबर 4 प्लेयर की अगर हम बात करें तो उनका नाम है राहुल चौधरी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो है राहुल चौधरी एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और जब भी इनको मौका मिला है तो इन्होंने जो है अपनी टीम के लिए जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर दिखाया है। तो गाइस अगर इनके पास अगर हम पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इनके पास 174 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। और गाइस ये जो पूरे 174 पॉइंट है इन्होंने 150 मैचेस के अंदर में ही इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन परफॉर्मेंस कर जो है इन्होंने बनाया है। तो गाइस अगर नंबर 3 अगर प्लेयर की बात करें तो जिसको जो है बहुत से लोग जो है जानते होंगे और ये बहुत ही सबके चहेते रहे हैं, तो गाइस इनका नाम है प्रदीप नरवाल। जी हाँ गाइस, जिनको जो है सब लोग डुबकी किंग से नाम से जानते हैं। और गाइस ये जो प्लेयर हैं इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनके पास जो है इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस है कि इनका नाम सुनकर ही लोग जो है इन प्लेयर के बारे में जो है अच्छा खासा इनकी जो है बातें करते हैं। तो गाइस अगर इनके पास अगर हम पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इनके पास 185 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जो कि 153 मैचेस के अंदर में ही इन्होंने सिर्फ बनाया है। और गाइस यहाँ पे अगर प्रदीप नरवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है प्रदीप नरवाल को जब भी ऐसा लगा कि हाँ मेरे को मेरी टीम की ज़रूरत है तो उन्होंने जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पे जो है रेड कर दिखाया है, और अपने टीम के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और ऑक्शन के अंदर में भी ये बहुत ही अच्छा खासा प्राइस पे जो है हमेशा ये सेल होते हैं। तो गाइज अगर हम नंबर 2 की बात करें तो जिनका नाम है सचिन। जी हाँ गाइज, इनके पास जो पॉइंट्स अगर की अगर हम बात करें तो इनके पास 195 पॉइंट्स हैं, जो कि 106 मैचेस के अंदर में ही इन्होंने सिर्फ बनाया है। गाइस यहां पे जो है इन्होंने मैचेस वगैरह तो ज़्यादा नहीं खेले हैं, लेकिन इनके पास जो पॉइंट्स हैं बिना मैचेस जो मैचेस कम होने के बावजूद भी इनके पास जो है 195 पॉइंट्स हैं, जो कि इनके परफॉर्मेंस को जो यहाँ पे दिखाता है। और ये जो है पूरा जो है कबड्डी के हिस्ट्री का जो सबसे टॉप डू ऑर डाई रेट जो है प्लेयर्स उनके अंदर में जो है ये शुमार होते हैं। तो गाइस अगर हम नंबर 1 की अगर हम बात करें तो गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप सबके हिसाब से इन 5 प्लेयर्स में से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका हमेशा रहता है, और कौन सा प्लेयर जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस करता है। तो गाइस नंबर 1 पे जो प्लेयर है उसका नाम है दीपक हुडा। जी हाँ गाइस, इनको तो बहुत से लोग जो है जानते होंगे। दीपक हुडा जो है बहुत ही एक बेहतरीन प्लेयर हैं, जिनके पास अगर हम पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इनके पास 209 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 157 मैचेस के अंदर में ही। तो गाइस ये भी जो है बहुत ही तगड़े प्लेयर माने जाते हैं और अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और गाइस हमने जितने भी प्लेयर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर में बात किया, इनके पास सबसे ज़्यादा रेड पॉइंट अभी तक कबड्डी हिस्ट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। और गाइस ये जो टॉप 5 के जो प्लेयर हैं ये हमेशा अपने परफॉर्मेंस को जो है बूस्ट कर रखते हैं, और यहाँ पे जो है इनका नाम जो है हिस्ट्री में अभी दर्ज है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस वगैरह लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे एक और नए और एक यूनिक फ्रेश कॉन्टेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।